गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कॉमन पोटेंशियल। अभी तक हमने कैपेसिटर के बारे में जाना, और कैपेसिटर जो होते हैं उनके बारे में जाना कि हम उन्हें कैसे ग्रुप करते हैं, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग के बारे में हमने जाना। इसके बाद अब हम जानेंगे कॉमन पोटेंशियल के बारे में। जब हम दो कैपेसिटर को जिनका पोटेंशियल डिफरेंस होता है उन्हें आपस में कनेक्ट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन दोनों कैपेसिटर्स के बीच में फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो होता है और पोटेंशियल का फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो होता है हम कह सकते हैं इसे। और ये कब तक रहता है? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और ये फ्लो स्टॉप हो जाता है जैसे ही दोनों कैपेसिटर्स का जो पोटेंशियल होता है सेम हो जाता है, और इस सेम पोटेंशियल को हम कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। जो सेम पोटेंशियल लेके आता है उसे हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। तो लेट अस सी कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल तो हमारे पास दो कैपेसिटेंस थे। एक कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटेंस था वो सी वन था, और उसके अंदर जो पोटेंशियल था वो बी वन था, एंड चार्ज इसके अंदर क्यू वन था। तो इसका चार्ज हो गया वो सी वन बी वन के बराबर, टोटल चार्ज हो गया। टोटल चार्ज गोइंग टू प्रेजेंट विद इन फर्स्ट कैपेसिटर इक्वल टू सी वन एंड वी वन। नाउ सेकेंड कैपेसिटेंस ने लिया, सेकेंड कैपेसिटेंस के अंदर सी टू एंड बी टू इज अ पोटेंशियल। तो चार्ज उसके अंदर क्यू टू हो गया सी टू वी टू, ये चार्ज हो गया उसके अंदर। नाउ टोटल चार्ज क्या होता है? Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2। तो ये हमारे पास हो गया C1 V1 प्लस C2 V2, C1 V1 प्लस C2V2, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई। ये बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज, ये टोटल चार्ज जो है हमारा चार्ज के शेयर होने से पहले, बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज, चार्ज के शेयर होने से पहले की वैल्यू है। नाउ अब क्या हुआ, दोनों चार्ज आपस में कनेक्ट हुए और उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है वो सेम हो गया। दोनों के बीच में जो पोटेंशियल था वो V के बराबर हो गया, V के बराबर पोटेंशियल हो गया। तो ऐसी कंडीशन में अब हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू निकल के आई, टोटल चार्ज निकल के आया, टोटल चार्ज निकल के आया, वो निकल के आया C1B प्लस C2B, C1B एंड C2B बराबर टोटल चार्ज हमारा निकल के आया। इसमें हमने B को ले लिया कॉमन, C1 प्लस C2 इक्वल्स टू V, ये टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग, टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग, शेयर होने के बाद टोटल चार्ज हमारे पास इतना निकल के आता है। नाउ अगर हम इस कंडीशन में ये मान के चलते हैं कि कोई लॉस ऑफ चार्ज नहीं हुआ है, देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज, तो टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग एंड टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग सेम रहेगा। सो
टोटल चार्ज, टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग इक्वल्स टू टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। शेयरिंग से पहले और शेयरिंग के बाद टोटल चार्ज हमारा बराबर रहेगा। तो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना, हमारे पास कितना निकला था, इट बिकम इक्वल्स टू सी वन बी वन प्लस सी टू बी टू और आफ्टर शेयरिंग सी वन प्लस सी टू इंटू वी के बराबर। तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाती है v इक्वल्स टू सी वन बी वन प्लस सी टू बी टू एंड सी वन प्लस सी टू, सी वन प्लस सी टू के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। तो ये हमारा जो v की वैल्यू निकल के आई, इट इज द कॉमन पोटेंशियल वी आर मीटिंग है। ये हमारे पास कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू होती है। तो देखिए, जब हम चार्ज शेयर करते हैं तो ऐसी कंडीशन में सम अमाउंट ऑफ चार्ज इज गोइंग टू डिसिपेटेड और गेट लॉस। तो उस चार्ज के लॉस होने से हमारी जो कैपेसिटेंस होती है उसकी एनर्जी में भी लॉस आता है। तो अब हम ये जानेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज, शेयरिंग ऑफ चार्ज के दौरान कितना एनर्जी का लॉस होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी के लिए हमारे पास शेयरिंग होने से पहले जो एनर्जी थी वो, उसे हम मानेंगे यू, यू एनर्जी और यू वन के बराबर टोटल एनर्जी मानेंगे। तो हमारे पास वन अपॉन टू सी वन बी वन का होल स्क्वायर, ये फर्स्ट कैपेसिटर के अंदर एनर्जी होगी, प्लस वन अपॉन टू सी टू वी टू का होल स्क्वायर, ये कैपेसिटर नंबर टू के अंदर एनर्जी होगी बिफोर शेयरिंग, बिफोर शेयरिंग, शेयरिंग होने से पहले ये एनर्जी होगी। नाउ आफ्टर शेयरिंग जो एनर्जी होगी यू टू, तो ये हो जाएगी वन अपॉन टू सी वन बी का होल स्क्वायर प्लस सी टू बी का होल स्क्वायर, और दोनों में बी हमें कॉमन मिल रहा है तो बी हम कॉमन ले लें। तो यू की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, यू टू की वैल्यू वन अपॉन टू सी वन प्लस सी टू वी का होल स्क्वायर, इसके बराबर हमें टोटल एनर्जी ऑप्टेन होगी। नाउ वन मोर थिंग इज दिस, कि अभी हमने देखा कि कॉमन पोटेंशियल की जो वैल्यू हमें मिली थी, वैल्यू ऑफ कॉमन पोटेंशियल वी हैव सी वन बी वन सी टू बी टू प्लस सी वन प्लस सी टू, तो v की जगह हम वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ कॉमन पोटेंशियल, पुटिंग वैल्यू ऑफ कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास क्या वैल्यू आती है, u2 टू इक्वल्स टू वन अपॉन टू सी वन प्लस सी टू एंड हियर वी आर गोइंग टू हैव सी वन बी वन प्लस सी टू वी टू सी वन सी टू इक्वल्स टू होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास आई जो हमने v की जगह यहाँ पुट किया। नाउ जो u है हमारा, u2 की वैल्यू वन अपॉन टू सी वन सी टू, और इसे थोड़ा ओपन करते हैं, सी वन प्लस
बी वन सी वन बी वन प्लस सी टू वी टू का होल स्क्वायर अपॉन सी वन प्लस सी टू का होल स्क्वायर, ये वैल्यू बनती है हमारे पास। तो इस वैल्यू में हम देख पा रहे हैं कि जो सी वन सी टू है और ये इससे कैंसिल होता है, इट गेट कैंसिल फॉर्म में, और क्या वैल्यू बचती है हमारे पास, वैल्यू होती है यू टू इक्वल टू वन अपॉन टू। यस हाँ, सी वन प्लस सी टू बी टू का होल स्क्वायर अपॉन सी वन प्लस सी टू के बराबर, और हम चाहते इस टू को यहाँ लिखने के बजाय यहाँ लिखते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास यू टू की वैल्यू आ जाती है। तो हमारे पास यू वन की वैल्यू ये रही, जो इनिशियल लेवल पर जो एनर्जी थी जब शेयरिंग चार्ज नहीं हुई, और जब शेयरिंग चार्ज हो गई तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास एनर्जी यू टू आई। तो कितना एनर्जी का लॉस हुआ, तो एनर्जी लॉस बाई आवर बॉडी उसे हम देखेंगे आगे, जस्ट नोट डाउन। तो एनर्जी लॉस के लिए, लॉस ऑफ एनर्जी को अगर हम यू माने तो ये बराबर होगा इनिशियल एनर्जी माइनस जो इनकी जब शेयरिंग नहीं हुई थी उससे पहले की एनर्जी और शेयरिंग होने के बाद की एनर्जी, क्योंकि हम देखते हैं कि ये एनर्जी ऑब्वियसली ज्यादा रहेगी, जो इनिशियल एनर्जी थी शेयरिंग होने से पहले वो ज्यादा होती है, जब कंबाइन होती है बॉडी तो कुछ ना कुछ एनर्जी शेयर होते टाइम डिसिपेट हो जाती है, रिमूव हो जाती है। हम अब एनर्जी निकालेंगे, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू निकलती हैं, वी हैव यू इक्वल्स टू यू वन की वैल्यू हमारे पास है, इसे पहले यहां लिख देते हैं वन अपॉन टू सी वन बी वन का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू सी टू वी टू का होल स्क्वायर ब्रैकेट माइनस यहां पर सी वन बी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन टू सी वन प्लस सी टू, यहाँ क्यों इतने पे होल स्क्वायर है, ये फॉर्मेट हमें ऑब्टेन होता है। तो अब हम क्या करेंगे यहां पर, नाउ यू की वैल्यू हमारे पास है वो बनती है वन अपॉन टू सी वन बी वन का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू सी टू वी टू का होल स्क्वायर माइनस साइन लगा हुआ है यहां पर, तो यहां से हम ओपन कर लेते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाती है सी वन का होल स्क्वायर बी वन का होल स्क्वायर ब्रैकेट इसी रखेंगे हम प्लस सी टू का स्क्वायर बी टू का स्क्वायर प्लस टू सी वन बी वन
बी टू, ये वैल्यू मिलकर आती है हमारे पास एंट। टू सी वन प्लस सी टू के बराबर वैल्यू हमारे पास रहती है, इट इज द वैल्यू वी आर गोइंग टू बी हैव। नाउ इसमें हम सी वन प्लस सी टू को एलसीएम लेंगे अब सॉल्व करने के लिए। जो यू की वैल्यू हमारे पास आ गई वो हो गई वन अपॉन टू, हमने इन सब में कॉमन ले लिया, और अब इसे पूरे को एज ए टोटल लेंगे हम, तो सी वन वी वन का होल स्क्वायर सी वन प्लस सी टू प्लस सी वन प्लस सी टू बी टू का होल स्क्वायर, यहाँ सी वन प्लस सी टू एंड माइनस सी वन का होल स्क्वायर बी वन का होल स्क्वायर प्लस सी टू का होल स्क्वायर बी टू का होल स्क्वायर प्लस टू सी वन सी टू बी वन बी टू और एस टोटल यहाँ पर हमारे पास आ जाता है टू सी वन प्लस सी टू के बराबर वैल्यू हमें मिलती है। नाउ अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यू की वैल्यू हमारे पास हो जाती है सी वन का होल स्क्वायर बी वन का होल स्क्वायर प्लस सी वन सी टू बी वन का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने पर इसका मल्टीप्लाई हम भी करते हैं तो प्लस सी वन सी टू बी टू का होल स्क्वायर प्लस सी टू का होल स्क्वायर, सी टू का होल स्क्वायर वी टू का होल स्क्वायर, और ये अगर हम यहां लिखें ऐसे तो माइनस के सी वन का होल स्क्वायर बी वन का होल स्क्वायर। ये हम यहां से स्टार्ट करते हैं माइनस सी वन का होल स्क्वायर बी वन का होल स्क्वायर माइनस सी टू का होल स्क्वायर बी टू का होल स्क्वायर एंड माइनस टू सी वन सी टू बी वन बी टू, इस तरीके से पूरा यहां तक और नीचे टू सी वन प्लस सी टू, सी वन प्लस सी टू के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल करके आएगी। तो हम यहां देख पा रहे हैं सी वन ये वैल्यू और कौन सी ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो रही है, सिमिलरली ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, दीज बोथ द वैल्यू कैंसिल ईच अदर। तो हमारे पास वैल्यू क्या रह जाती है, यू की वैल्यू रह जाती है सी वन सी टू बी वन का होल स्क्वायर प्लस सी वन सी टू वी टू का होल स्क्वायर एंड माइनस टू सी वन सी टू बी वन बी टू और नीचे टू सी वन प्लस सी टू के बराबर वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है। नाउ सी वन एंड सी टू जो है इन्हें हम कॉमन ले लेते हैं,
यू इक्वल्स टू सी वन सी टू प्लस टू बी वन का होल स्क्वायर प्लस बी टू का होल स्क्वायर माइनस टू बी वन बी टू का होल स्क्वायर। ये वैल्यू बनती है हमारी। नाउ यहां से टू सी वन सी टू ये वैल्यू बनी हमारी। ये हम देख रहे हैं, ये हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के टू ए बी का दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये इस फॉर्मेट में हमें ऑप्टेन हो रहा है, तो हम इसकी जगह ए माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्मेट लिख सकते हैं। तो हमारे पास यू डेट इज एनर्जी की जो वैल्यू आ गई सी वन सी टू बी वन माइनस बी टू का होल स्क्वायर और सी वन प्लस सी टू टू सी वन प्लस सी टू इट इज द टोटल लॉस ऑफ एनर्जी। टोटल लॉस ऑफ एनर्जी इस फॉर्मूले की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि कितनी एनर्जी का लॉस हमें हुआ व्हाइल शेयरिंग द चार्ज। जब हमने चार्ज को शेयर किया तो हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू बी लॉस्ट बाय द सिस्टम। सिस्टम के द्वारा कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है। तो आज हमने जाना कॉमन पोटेंशियल के बारे में एंड लॉस ऑफ एनर्जी के बारे में। कॉमन पोटेंशियल हमने बताया था कि जब हम दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं तो उनमें शेयरिंग ऑफ चार्ज होता है, और शेयरिंग ऑफ चार्ज की वजह से पोटेंशियल भी उनमें चेंज आता है, पोटेंशियल में भी चेंज आता है। पोटेंशियल में जो चेंज है बना रहेगा, कब तक बना रहेगा? जब तक कि दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। जैसे ही दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा उसके बाद पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे पोटेंशियल को कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। इन इनिशियल लेवल जो टोटल चार्ज में मिला था वो क्यू सी वन बी वन प्लस सी टू पी टू बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज, जो चार्ज की शेयरिंग नहीं हुई थी उससे पहले। एंड जैसे ही चार्ज की शेयरिंग खत्म हो गई तो टोटल चार्ज में मिला सी वन प्लस सी टू इक्वल टू बी। और जैसा हमने बताया कि अगर कोई चार्ज हमारा लॉस नहीं हुआ है, देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज, तो ऐसी कंडीशन टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग एंड टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग दोनों बराबर रहेंगे, और कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास आती है वी इक्वल टू सी वन सी टू प्लस सी टू वी टू प्लस सी वन प्लस सी टू के बराबर हमारे पास कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आती है। नाउ द लॉस ऑफ एनर्जी। जब हम दो कैपेसिटर को कंबाइन करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं देयर इज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी गोइंग टू डिसिपेटेड और गोइंग टू गेट लॉस। तो अगर हम ये मान के चलते हैं जब इनिशियली जब चार्ज सेपरेट थे तो ऐसी कंडीशन में कैपेसिटर वन के पास एनर्जी इतनी थी, कैपेसिटर टू के पास एनर्जी इतनी थी। तो टोटल एनर्जी यू वन जो है वन अपॉन टू सी वन बी वन का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू सी टू बी टू का होल स्क्वायर हो गया। वहीं जब शेयरिंग हो गई, जब शेयरिंग हो गई आफ्टर शेयरिंग कॉमन पोटेंशियल वी स्क्वायर बाहर आ गया, और वी की वैल्यू हमारे पास ये थी, तो वी की वैल्यू हमने पुट किया तो हमारे पास यू टू की वैल्यू सी वन बी वन प्लस सी टू बी टू का होल स्क्वायर टू सी वन प्लस सी टू के बराबर आई। लॉस ऑफ एनर्जी कितना हुआ? लॉस ऑफ एनर्जी यू इक्वल टू यू वन माइनस यू टू के बराबर में वैल्यू ऑप्टेन होती है। तो जब हमने ये वैल्यू यू वन की वैल्यू यू टू की वैल्यू में सब्ट्रैक्शन किया, हमने यू वन से यू टू सब्ट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि यू वन जो है इनिशियली ज़्यादा होता है, यू वन की वैल्यू इनिशियली गोइंग टू बी वेरी हाई। यू वन की जो वैल्यू होती है वो ऑब्वियसली बात है कि हाई होगी, ज़्यादा होगी। तो जब हम इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमें लॉस ऑफ एनर्जी की वैल्यू सी वन सी टू बी वन माइनस बी टू का होल स्क्वायर टू सी वन प्लस सी टू के बराबर
वैल्यू ऑब्टेन होती है। नोट डाउन।